तो सर अमेजोन के जंगल नहीं नहीं अमेजोन के ऐप में भटकते भटकते मुझे फिर से इस बार एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा जिसको देख के मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई ये काम करेगा भी या नहीं, जल्दी मंगाओ इसे और से टेस्ट करके देखते हैं। तो हे दोस्तों, आप लोग देखे वी फॉर वीडियो शॉप की बार मुझे दिखा था ये फ्रूट प्रेस। देखो कुछ ऐसे बॉक्स में था क्या, ऐसे ही बॉक्स में आया है और सीधा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्या भाई। कमज़ोर सा बॉक्स लेकिन इसके अंदर ये बबल रैप में रैप एक जूसर मिला जो कि भाई देखने में बेहद ही अलग ही किस्म का है। मतलब ये कैसा जूसर है भाई, क्या ये वाकई में जूस निकाल पाएगा या नहीं, है एल्युमिनियम का है। तो चलो इसी को टेस्ट करना है आज के इस वीडियो में। तो इस बेहद ही अलग टाइप के जूसर को टेस्ट करने के लिए आज हम लोग इस जूसर से पता नहीं कितना अजीब दिखता है यार, हम लोग जूस बनाएंगे पाइन एप्पल का। लाइट बढ़ गई, कम हो गई, मौसमी का, ऑरेंज का और अनार का, और देखेंगे कि भाई इन फ्रूट्स का जूस कैसा जूस बनाता है, बना पाता भी है या नहीं, क्या मुश्किल आती हैं या फिर आसानी से निपटा देता है, बस यही चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। और लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन अगर किसी को लेना हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसे जूस बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पाइन एप्पल निपटाते हैं यहाँ पे। तो मैंने पाइन एप्पल को इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, अभी देखते हैं ये जूसर क्या कारनामा करता है, पता नहीं कुछ कर भी पाएगा या नहीं। चलो एक पाइन एप्पल गया इस हैंड प्रेस जूसर में, क्या जूसर बनेगा रे तू, पता नहीं क्या बन गया तू। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे हाथ में पकड़ना ही नहीं है, इसे यूं ही रखे रखे दबा देना है। तो देखते हैं, ये मैंने रखे रखे जूसर को दबा दिया और आई थिंक इसने अच्छी तरीके से ओए तो पिचकारी मार रहा है, अनानास को स्क्वीज कर दिया, प्रेस कर दिया और इसका जूस शायद निकल गया है काफ़ी हद तक। अच्छा क्या है, ओहो दबा हुआ अनानास अभी भी इसे वही पड़ा रहने देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो भाई क्या जूस बना है, बना भी है या नहीं। नहीं यार, बना है, इतना तो बना है यार, सच में इतना बुरा भी नहीं था अनानास के मामले में। सबसे पहले यहाँ पे देखो कितना ज्यादा जूस तो वेस्ट हुआ है, ये आपको जितना भी दिख रहा है ये सब जूस ही है जो कि पिचकारी मार मार के इसी जूसर से निकला है। और यहाँ पे मैं 2-3 बार इसी पल्प को बार बार प्रेस कर रहा हूँ और हर बार थोड़ा बहुत जूस निकल रहा है, और आप लोग देख लो कुछ इस तरीके से लास्ट में हुआ जा रहा है। लास्ट में अब ये जूस नहीं बना पाया, बार बार बस पल्प इस तरीके से बाहर निकल आ रहा है, और देखो अब इसमें से कितना जूस निकला है, थोड़ा फिर निकल आया, इसी तरीके से इसमें थोड़ा बहुत फिर निकलता चला आ रहा है। और आप लोग देख लो पल्प अभी भी काफ़ी ज़्यादा गीला है, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी अच्छी तरीके से अनानास का जूस तो बना दिया। तो यहाँ पे एक अनानास से हम लोगों ने निकाला लगभग 250 ml जूस, तो मेहनत का फल होता है अनानास का जूस। अब निकालेंगे अनार का जूस, इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रहे अनार जिनके अंदर खुद खून की कमी है लेकिन हमें खून देंगे, ओके इसके अंदर भरो अनार। तो इनको अभी प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके यहाँ पे कुछ झांक रहे हैं बाहर की तरफ कि हमें बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत पीसो, लेकिन नहीं, हम इनको प्रेस कर देंगे। देखो तो यहाँ से जूस ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब भरा भी नहीं। अरे 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 अरे, अरे। चलो इससे भी हाँ काम तो भाई कर रहा है जूसर। तो यहाँ पे अनार दीवार में चिपके हुए हैं लेकिन कुछ अभी भी बच गए हैं। तो यहाँ पे मैंने बार बार रिपीट करके अनार का जूस भी निकाल लिया और देखो इसके बीज कुछ इस तरीके से हो गए हैं, और मुझे लगता है काफी हद तक यहाँ पे अनार का जूस निकल आया है। और बात करें जूसर के अंदर की हालत की, तो देखो
ये देखो जूसर के अंदर की हालत कुछ ऐसी है। तो भाई मुझे लगता है अनार के जूस के मामले में भी ये जूसर काफ़ी हद तक सही है, और मैं अपने पेक में बना रहा हूँ मिक्स फ्रूट जूस। तो अनानास और अनार में अपार सफलता पाने के बाद अब हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं संतरे और मौसम्मी के साथ। देखेंगे जो नॉर्मल संतरे और मौसम्मी जूसर के साथ हम लोग ऐसे ऐसे जूस बनाते थे, उसकी तुलना में इसमें संतरे और मौसम्मी का जूस क्या ऐसे ऐसे बन जाएगा या नहीं, चलो अभी चेक करते हैं। तो सबसे पहले संतरे को निपटाएंगे, उसके बाद मौसम्मी को। ये संतरा गया इसके अंदर, तो संतरे को प्रेस करेंगे इसके अंदर, देखते हैं क्या होगा। भाई ये संतरा तो कुछ अलग ही तरीके से, ये पिचकारी पिचकारी बहुत मारता है भाई, देखो वहाँ पे लीक हो गया, लेकिन संतरा यहाँ पे स्क्वीज हो गया, शायद छिलका भी इसका स्क्वीज हो गया। ये थोड़ा अलग ही तरीके से स्क्वीज हुआ है यार। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि अगर संतरे को ऐसे रखा जाए तो थोड़ा अच्छे से काम हो रहा है। ये देखो अब की बार जो स्क्वीज हो रहा है ये बिल्कुल अलग ही तरीके से स्क्वीज हो रहा है और फट नहीं रहा है। अरे पिचकारी लेकिन मारने की आदत इसकी गई नहीं, और ये कुछ इस तरीके से स्क्वीज होकर इसमें से जूस निकल रहा है। और ये रहा संतरे का जूस। और यहाँ पे मौसम्बी का जूस ऐसे बना है मानो हम लोगों ने इनका टोस्ट बनाया हो। ये देखो किस तरीके से निशान बन गया है। तो मौसम्बी और संतरे भी यहाँ पे निपट गए। यहाँ पे एक बात अच्छी ये थी कि हमें इन्हें छीलना नहीं पड़ा और कचरा भी कम हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक और बात अच्छी लगी कि इसे धोना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली इसे खोलो, इस जाली को साफ करो, पानी डालो और तुरंत ये धो के साफ हो गया, बस तुरंत। तो दोस्तों इसके कुछ अच्छे पॉइंट जो कि मुझे लगे, नंबर एक भाई ये काम करता है, जी हाँ ये काम ही करता है, एक अच्छा पॉइंट है। नंबर दो कचरा कम फैलाता है। नंबर तीन इसे धोना बहुत ज़्यादा आसान है इसकी तुलना में, इसको धोने में तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। तो ये थे इसके कुछ अच्छे पॉइंट जो कि मैंने देखे। और इसके बुरे पॉइंट भाई ये पिचकारी मारता है। और दूसरी कमी मौसम्बी और संतरे के जूस में, अगर आप छिलका सहित जूस बना रहे हैं तो इसके टेस्ट को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है, क्योंकि इसमें छिलके का भी फ्लेवर, उसका कलछीलापन आ जाता है। इसकी वजह से जूस हल्का सा कड़वा है मौसम्बी का, और संतरे का भी कड़वा ही रहा है क्योंकि छिलके का भी जूस बन गया भाई इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा और टेस्ट किया एक वियर्ड जूसर को, जो कि मुझे बिल्कुल अजीब दिख रहा था अमेजॉन में और मैंने पहले कभी यूज़ भी नहीं किया था। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना और जूस भी पी लेना।